हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपने ज़िंदगी काम में कहीं ना कहीं बिज़ी होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट पर बात करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपनी YouTube फैमिली को सभी को कंग्रेचुलेशन, बधाई, मुबारकबाद देना चाहूँगा। शायद हो सकता मेरे कुछ साथियों को, दोस्तों को मालूम भी हो कि मैं कुवैत जा रहा हूँ बहुत जल्दी, और मेरी फ़्लाइट होने वाली है। और अब तक मैं जो भी अपडेट देता था आपको मुंबई से, स्विगी, जोमाटो, डेंजो और अदर जितनी भी आपकी डिलीवरी कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है, जो भी करंट में अपडेट चल रहा था मैं आपका अपडेट दे रहा था वहाँ से। लेकिन अब जो भी अपडेट वगैरह है, जो भी आपकी क्वायरी है, आपके सवालों के जो भी जवाब हैं, वो अब मैं आपको कुवैत से दूंगा, यानी कि कुवैत पहुँचने के बाद दूंगा। वहाँ की भी जानकारी दूंगा आपको ऑल ओवर इंडिया की, कहाँ क्या अपडेट है, क्या रेट कार्ड है, जो भी आपकी क्वायरीज हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनको दूर करूँगा मैं। और साथ में कुवैत पहुंचने के बाद वहाँ का क्या अपडेट है, वहाँ पर डिलीवरी का क्या स्कोप है, डिलीवरी के लिए क्या कैरियर है, ई कॉमर्स के लिए क्या कैरियर है, या अदर कोई कैरियर है या नहीं है, या अदर फील्ड में जॉब है नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके जवाब मुझे वहाँ जाके आपको देने पड़ेंगे, और बहुत सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे वहाँ जाके निकालना पड़ेगा। तो प्लीज़, आपने जैसे अब तक मुझे सपोर्ट करा है, आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है मेरे चैनल पर, मुझे उम्मीद नहीं थी, तो बस इसी तरीके से आप अपना प्यार मेरे चैनल पर बनाए रखिएगा, अपना सपोर्ट मुझे बराबर देते रहिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशनल एनर्जी मिलती रहे और मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए काम करता रहूं। तो कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं हर वीडियो में अपना नंबर मेंशन कर रहा हूं। और एक चीज़ हाँ, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, जो नंबर मैंने अब तक मेंशन किया था वो नंबर एक्चुअली इंडिया में मेरा एक्टिव था। मैं आपको मालूम है आउट ऑफ कंट्री कुवैत जा रहा हूँ, और आपको मालूम है वहाँ जाने के बाद वो नंबर हो सकता एक्टिव हो, बट वो क्या है, ओनली उस पर चैट की जा सके। जैसे कि अब तक आप कॉल कर करते थे और कॉल करके मैं आपके सवालों के, आपकी प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन देता था, बट अब हो सकता है आगे को आपको उस नंबर पे कॉल, आपकी उस नंबर पे कॉल कनेक्ट ना हो, आई थिंक आप कॉल कर रहे हो, मैं कॉल का जवाब ना दूँ। तो आप परेशान मत होइएगा, टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो मुझे आप किसी भी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं जैसे ही फ्री होता हूँ तो मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से आपने मुझे अब तक सपोर्ट करा है, आगे भी इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे। आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में, सभी को शेयर कीजिए, क्योंकि आप किसी का फ़ायदा करेंगे, किसी का भला करेंगे, तो आगे भी आपका भला होगा। और दूसरी ज़रूरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपको मालूम है कि मैं स्विगी में, जोमाटो में और अदर कंपनी में भी वर्किंग में था, अब मैं उनमें रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। तो रेजिग्नेशन देने के बाद, जैसे कि मैं अब तक वीडियो में बताता आया हूँ कि जब कंपनी में आप, स्विगी में, जोमाटो में, आप किसी भी कंपनी में आप ज्वाइनिंग करते हैं, तो ज्वाइनिंग के टाइम पे आपसे कंपनी 500 रुपये लेती है, कब थोड़े कम भी ले लेती है, ज़्यादा भी ले लेती है, हर कंपनी का अलग अलग चार्जेज है। फिर उसके बाद कुछ कंपनी 1000 रुपये लेती हैं, कुछ कंपनी 1500 रुपये लेती हैं एज ए सिक्योरिटी, और कहा जाता है कि ये सिक्योरिटी आपकी जब आप रिज़ाइन देते हैं तो वो आपकी रिटर्न हो जाती है। तो अब देखना ये है कि जो सिक्योरिटी, यानी कि मैंने जब स्विगी ज्वाइन की थी तो स्विगी ज्वाइनिंग के टाइम मुझसे भी सिक्योरिटी ली गई थी, अब वो सिक्योरिटी वापस होती है या नहीं होती है स्विगी में, जोमाटो में, या किस तरीके से वापस होती है, कितना टाइम लगता है, क्या क्या मुझे परेशानी को फेस करना पड़ता है लास्ट टाइम पे, सारी मैं चीज़ जो है नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा, किस तरीके से आपको रिज़ाइन डालना है, और वो आपकी सिक्योरिटी यानी कि जो आपसे ली गई थी वो आती है नहीं आती है, सारी चीज़ें मैं जो है इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा। तो आप हर वीडियो से अपडेट रहिएगा, कोई भी वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा। कुछ अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को आप धीरे धीरे स्किप करके देखिए, वीडियो को दोबारा देखिए, लेकिन वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने अब तक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी है, आपको छोटी सी जानकारी दी है, वो आपकी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है चैनल भाई एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन लगती है तो अपने फ्रेंड्स दोस्तों में उसको शेयर भी करें। तो दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक लेटेस्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।